दोस्तों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब एग्जाम कैंसलेशन को लेकर मांगे बढ़ रही है। हम लोगों ने जो मुहिम चलाया है, हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन पैंडेमिक स्थिति में और इन पैंडेमिक परिस्थिति में एग्जाम कराना उचित नहीं है, एग्जाम्स रद्द होने चाहिए। तो दोस्तों हमारे सपोर्ट में बहुत सारे विधायक भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे विधायक भी एग्जाम्स रद्द होने के पक्ष में आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, आप मैंने जो ट्वीट किया हुआ है आप उसको रिट्वीट करें, ताकि झारखंड सरकार इस पर निर्णय लेने में कोई भी कोताही ना करें, इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और निर्णय लेने में कोई भी लेट ना करें। तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप रिट्वीट और आप ट्वीट जरूर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक विधायक है अंबा प्रसाद जी, जिन्होंने झारखंड सरकार से जो है आग्रह किया है कि बोर्ड एग्जाम को रद्द कर देने चाहिए। और दोस्तों आजसू पार्टी के यानी कि एक अध्यक्ष है, यहां पर बताया कि आजसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज ने भी ये कहा है कि झारखंड सरकार से गुहार लगाई है कि एग्जाम सब रद्द होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंबा प्रसाद जी ने जो है झारखंड सरकार से ये आग्रह किया है कि एग्जाम्स को रद्द कर देने चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यहां पे लिखा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत परीक्षार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा हेतु जैक की कक्षा यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करती हूं। यानी कि दोस्तों ये जो है अंबा प्रसाद मैम ने जो है ये आग्रह किया है कि जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं एग्जाम को जो है रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि इन पैंडेमिक स्थिति में एग्जाम्स कराना उचित नहीं है। दोस्तों और एक अपडेट निकल के आ चुकी है जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों यहां क्या लिखा, जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों लिखा है कि परीक्षा रद्द हो आजसू, यानी कि आजसू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इन पैंडेमिक स्थिति में परीक्षा कराना उचित नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है, मैं पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ के बताऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों यहां पर लिखा है आजसू के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज वर्मा ने कहा है कि कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई एवं अन्य सभी परीक्षा बोर्ड ने अपने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अन्य स्टेट ने भी परीक्षा रद्द कर दी है, उनकी घोषणाएं हो चुकी है। दोस्तों यहां पे लिखा है कि मगर झारखंड सरकार अब तक जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर निर्णय लेने के बजाय गहरी नींद में है। यानी उन्होंने ये कहा है कि अभी भी सरकार जो है सोई हुई है, एग्जाम्स का क्या होगा अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए लिखा है आगे, लिखा है कि निर्णय लेने के बजाय गहरी नींद में सोई हुई है। यहां पे आगे बताया है कि दूसरे राज्यों ने भी अपने राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर बच्चों को प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आजसू राज्य सरकार से मांग करती है कि राज्य के विद्यार्थियों की जान माल की रक्षा करने की मानसा के साथ साथ जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। दोस्तों आजसू पार्टी यानी आजसू के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज वर्मा सर ने भी यही कहा है कि अब एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, एग्जाम्स को रद्द कर देने चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टेट ने इन पैंडेमिक स्थिति को जो है संकलन करने के बाद इन पैंडेमिक स्थिति को देखते हुए बच्चों की जान माल और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम्स को रद्द कर दिए हैं। तो यहाँ पर भी एग्जाम्स रद्द होने चाहिए। दोस्तों अब जान में जाना ही है, क्योंकि जिस तरीके से असम बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट किया, घोषणा की कि बोर्ड एग्जाम्स अब रद्द नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स हम कंडक्ट कराएंगे, दोस्तों ऐसा लग रहा था कि झारखंड सरकार भी इसी तरह ना फैसला ले ले, क्योंकि झारखंड सरकार ने अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं किया है कि आखिरकार क्या होगा। तो हम लोगों को डर बैठ गया था कि क्या हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं वो सफल होगी या नहीं होगी, एग्जाम्स रद्द होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पैंडेमिक स्थिति में बच्चे काफी परेशान है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। दोस्तों लेकिन जो विधायक और जितने भी उपाध्यक्ष जो सामने आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स रद्द कराने को लेकर, अब जो है हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि 100% हम लोग सफल होंगे और हम लोगों को जान में जाना ही। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।